नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्रियों को सीएम धामी ने दी बधाई। नए चेहरों को लेकर कहा, प्रधानमंत्री कर रहे हैं नए भारत का निर्माण। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। दी जा रही है सुविधाओं की भी जानकारी। देश के एकमात्र कैटोग्राफिक म्यूजियम का भी किया निरीक्षण। 4 धाम यात्रियों के लिए पर्यटन विभाग की अनूठी पहल। विभाग बनाएगा पर्यटन सर्किट। यात्रा के ठहराव के दौरान देवभूमि के अन्य स्थलों के भी कराए जाएंगे दर्शन। रुड़की में नाबालिग ने जहर खाकर दी जान। कुछ दिन पहले प्रेमी संग फरार हो गई थी मृतका की मां। पिता ने कोतवाली में पुलिस से मामले की शिकायत की। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में माइनस में पहुंचा। अब कोहरे से बढ़ेगी आफत। विधानसभा स्थित सभागार में प्रदेश के खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश के सभी क्रय केंद्रों में धान क्रय, मडुआ क्रय और उनके भुगतान के संबंध में जानकारी ली। साथ ही पूर्व की बैठकों में दिए गए निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है इसकी स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार को धान क्रय का लगभग 8 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य दिया गया था उसके सापेक्ष लगभग 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। खाद्य मंत्री ने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त तिथि तक संपूर्ण लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाए। अभी तक धान क्रय को लेकर किस प्रकार की जो क्रय केंद्रों के द्वारा जो उनको लक्ष्य दिए गए थे, डिपार्टमेंट ने दिए थे, उसमें क्या प्रगति हुई इसकी समीक्षा, प्लस जो मडवा खरीद को लेकर जो लक्ष्य दिया गया था उसकी प्रगति, ये दोनों ही प्रगतियों को देखने के लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें धान क्रय को लेकर जो भारत सरकार की ओर से राज्य को जो लक्ष्य मिला था लगभग 8,30,000 मीट्रिक टन का जो है वो लक्ष्य प्राप्त हुआ था। लंडोरा निवासी शाकिब नामक एक युवक कई दिनों से लापता था। लापता युवक शाकिब का शव लंडोरा क्षेत्र में मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की भिजवा दिया। वहीं सीओ बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि शाकिब नाम का युवक का शव मिला है, जो कि कई दिनों से लापता था। वहीं मृतक युवक के परिजन के द्वारा कुछ लोगों पर आशंका जताई गई है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बच्चा तो आज इसकी डेड बॉडी मिली है यहाँ पे। ये अपने दोस्त, इसके दोस्त बुला के ले गए थे, उन्हीं पे वो है कि उनके द्वारा ही हत्या की गई है, परिजन का कहना है। उस आधार पे पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और जो भी इसमें शामिल रहे घटना में उनका शीघ्र जो है गिरफ्तार किया जाएगा। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के नए चेहरों पर विश्वास जताया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जिन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है वो अपने अपने राज्य में प्रधानमंत्री की एक श्रेष्ठ भारत और एक नए भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और
जो आज कल दो दिनों में लगातार विधायक दल की बैठक में तीनों ही राज्यों में जिनको विधायक दल का आगे मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, अन्य दायित्वों में जिनका चयन हुआ है या जिनको चुना गया है, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण में अपने अपने राज्यों में कुशलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे और अपने राज्य को आगे ले जाएंगे, देश को भी आगे ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर समिट में सरकार ने जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा का एमओयू हुआ है। वहीं अब इन्वेस्टर समिट के समाप्ति के बाद भी सरकार इन्वेस्टमेंट को ग्राउंडिंग पर लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम ऐसे सेक्टर को प्राथमिकता देंगे जिससे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो सके। इन्वेस्टर समिट का जिस दिन हमारा समारोह हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस दिन हमने लगभग 44,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के हमारे निवेशकों के साथ करार हुए हैं। अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमको मिले हुए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम सभी को ग्राउंडिंग जहाँ जहाँ भी हमारी आवश्यकता है, जहाँ पर उद्योग लग सकते हैं, अन्य प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है, उन सभी कामों को लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार समीक्षा करेंगे जिससे कि वो धरातल पर उतरे। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मंगसीर बघवाल का तीसरे दिन का समापन पूर्व विधायक विजयपाल सजवान और पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में किया। तीसरे दिन आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भैलू नृत्य के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ आर्मी और 12 गाड़ी की रस्साकस्सी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे, जिसके फाइनल में आईटीबीपी विजेता रहा, जिसमें बच्चों के द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ये जो हमारे मंगसीर के जो बघवाल यहाँ पर हम लोग मनाते हैं, आप सबको मंगसीर के बघवाल की बधाई शुभकामनाएं, और जितने भी लोग यहाँ पर बाहर से हमारे लोक कलाकार आए हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपने हमारी जो मंगसीर की जो बघवाल यहाँ पर अनग्रह फाउंडेशन उत्तरकाशी के द्वारा विगत कई वर्षों से मनाते हैं। प्रदेश की साल 2022-23 की सबसे कम उम्र की तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी को चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चंपावत का चुनाव आइकॉन नियुक्त कर दिया है, जिसका आदेश बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत कोऑर्डिनेटर स्वीप के द्वारा जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि शांभवी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर निर्वाचन साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे इस छोटी सी उम्र में आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद आइकन नामित किया गया है। मैं इस जिम्मेदारी में खरा उतरने व अपना पूर्ण योगदान देने का हर संभव प्रयास करूंगी। आशा है कि आप सभी का सहयोग व आशीर्वाद मुझे पूर्व की भांति मिलता रहेगा। खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और उसने भी मौत को गले लगा लिया था। वही मृतका के पिता ने कोतवाली में पुलिस से मामले की शिकायत की है। एसपी देहात का कहना है कि यदि इस संबंध में कोई तहरीर मिलती है तो उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून पुलिस लाइन के ग्राउंड में प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित अजय गौतम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर सूचना महानिदेशक बशीदर तिवारी ने शिरकत की। महानिदेशक ने बल्लेबाजी कर क्रिकेट मैच की शुरुआत करते हुए सभी पत्रकार खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोई भी प्रतियोगिता खेल भावना से होती है, जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। सिर्फ जीत की भावना से प्रतियोगिता होती है, किसी को पीछे छोड़ने की भावना से नहीं होती। इस तनावपूर्ण वातावरण के बीच खेल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ वातावरण बनाता है।
ये है कि जो कोई प्रतियोगिता होती है वो खेल भावना से होती है, और जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ प्रतिद्वंदिता नहीं होती। प्रतियोगिता में हमेशा जीतने का भाव होता है, किसी को पीछे छोड़ने का भाव नहीं होता। तो ये जो सकारात्मकता होती है निश्चित रूप से अगर हम कहें हमारे मन को विचार को प्रसन्न रखती है, और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अगर हम देखें तो खेल कूद बहुत जरूरी है। और उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा जो ये क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया गया है आयोजित की गई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में ये प्रतियोगिता कारगर सिद्ध होगी। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को देवभूमि के अन्य स्थलों से रूबरू कराने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा सर्किट बनाए जा रहे हैं, जिसमें 12 स्थान गढ़वाल मंडल से जबकि 12 स्थान कुमाऊं मंडल के चिन्हित किए गए हैं। इसमें विष्णु भगवान, शक्ति सर्किट, शंकर सर्किट और नवग्रहों का सर्किट भी बनाया जा रहा है। ये सर्किट पूरी तरह से तैयार होने के बाद श्रद्धालु इसके दर्शन कर सकेंगे, खासतौर पर जब चार धाम यात्रा के दौरान धामों में भीड़ बढ़ती है और यात्रियों को रोक दिया जाता है, उस वक्त श्रद्धालु इन स्थानों की ओर रुक कर सकेंगे, जिससे चार धाम के अलावा देवभूमि के अन्य स्थलों का भी यात्री दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में हमने सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें 12 हमने उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के चिन्हित करके हमने सर्किट्स बनाए हैं। विष्णु भगवान का सर्किट बनाया है, शक्ति का सर्किट बनाया है, शंकर भगवान का सर्किट बनाया है, नवग्रहों का सर्किट बनाया है, जिसमें 12 हमने गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के लिए हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया है, और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप में जो टूरिस्ट है वो डाइवर्सिफाई होगा। अभी हम कार्तिकेय स्वामी को डेवलप कर रहे हैं, कितना बड़ा धाम बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप में काफी, होनौल को हमने अभी डेवलप किया आपके सामने। देहरादून में जिला प्रशासन अतिक्रमण पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अब पुलिस प्रशासन भी यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार को एसएसपी अजय सिंह आड़त बाजार देहरादून पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी व्यापारी सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करेगा। साथ ही व्यापारियों से आग्रह किया गया है कि 30 से 40 व्यापारी मिलकर एक यातायात मित्र, जिसको हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे और उनका जो भी मिनिमम चार्ज होगा वो व्यापारी वहन करेंगे। कि जो इन्वेस्टर समिट इतने अच्छे से हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा, उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहां पर यातायात बाधित होता है, वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी विभागों ने मिलकर हटा दिया था। अब जब पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा न लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारीगढ़ हैं जिनकी दुकानें ऑन रोड हैं लेकिन उनके पार्किंग की जगह नहीं है, और लोग जब आते हैं तो किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो हमारी क्या आवाज़ है कि 30-35-40 व्यापारी मिलकर जो क्लस्टर्स में एक एक यातायात मित्र जो हम उनको उपलब्ध कराएंगे, उसको वो व्यवस्था में सहयोग करें उनके, और जो भी उसका नॉमिनल पेमेंट होता है व्यापारीगढ़ खुद करें। देहरादून में आरटीओ लोगों को नई सौगात देने जा रहा है। आरटीओ सड़कों से पुरानी बसों को हटाकर नई हाई क्वालिटी की बसें चलवाने की योजना बना रहा है, ताकि लोग निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या का भी समाधान किया जा सके। पॉल्यूशन की समस्या है या फिर पॉल्यूशन की समस्या है, उसको देखते हुए आरटीए द्वारा ये पिछले साल भर से ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जाए, जिससे कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा सड़कों पर आ रही हैं उससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके अंतर्गत अब तक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए 9 रूटों पर 180 सिटी बस हमारी संचालित हो रही हैं। नए प्लान के अंतर्गत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पुरानी सिटी बसेज हैं उनकी जगह हम नई हाई क्वालिटी की बसेस चलाएं और उनको 10 रूटों पर संचालित किया जाए, जिससे कि लोग प्राय हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करें और प्राइवेट गाड़ियों से इतना ज़्यादा उपयोग ना हो।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में धारी ब्लॉक के सरना क्षेत्र के गुनी गांव निवासी दया किशन सती ने सीएम आयुक्त और डीएम तक को अपनी भूमि को माफिया से बचाने की गुहार लगा डाली, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर वो डीएम साहब के दरबार में पहुंचकर अपनी अर्जी लेकर पहुंचे हैं। दरअसल दया किशन का कहना है कि एक रिजॉर्ट स्वामी के द्वारा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, वहीं उनके पानी के स्रोत पर भी रिजॉर्ट की गंदगी छोड़ी जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल कर रहा है। मैंने पूर्व में कुछ जमीन बेची थी, कृष्ण कुमार साद और आयुषी साद, इन्होंने जिसको मैंने बेची थी उससे इन्होंने खरीदी है, तो इन्होंने पूरी वर्ग चार की भूमि में कम से कम 15 नाली के आसपास घेर दिया है। तो इस संबंध में मैंने पट्टी पटवारी और डीएम साहिबा और कुमाऊं कमिश्नर को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। तो कुमाऊं कमिश्नर साहब के यहाँ से 2 दिसंबर को इसके लिए सुनवाई हुई थी, वो पक्ष भी आया था और तहसीलदार धारी और पटवारी पट्टी सरना के भी आए थे, तो उनको आदेश दिया कुमाऊं कमिश्नर साहब ने। तो 10-15 मीटर टूटा तार बाड़, उसके बाद वो काम बंद हो गया। जेसीबी भी दिन भर खड़ी रही वहाँ पे तोड़ने के लिए, लेकिन उसको भी ऑर्डर नहीं हुए तोड़ने। संबंध में हमने मुख्यमंत्री के पास भी शासन में गए थे, तो उन्होंने आदेश भी यहाँ किया, कमिश्नर साहब ने बुलाया भी इन लोगों को, दोनों पार्टियों को वहाँ के, तो उन्होंने उस समय उन्होंने उसको तोड़ने के आदेश दे दिए थे इनको। जेबीसी भी मौके पर चली गई थी, लेकिन उन्होंने तार बार थोड़ा सा 15-20 मीटर तक तोड़ा और इसके बाद ठप कर दिया। यही बात इनसे की है, मैं तो गया नहीं था कमिश्नर साहब के पास, इनसे यही बात की है उन्होंने और भेजा भी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर कार्य शुरू है और इनसे लंबा समय मांग रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जोशीमठ के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका के लिए कौशल विकास के अंतर्गत 8 दिवसीय भोजपत्र कैलीग्राफी और स्ट्रिंग आर्ट ट्रेनिंग एडवांस वर्जन प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसमें विकासखंड की 21 महिलाओं के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण में महिलाओं को भोजपत्र कैलीग्राफी और स्ट्रिंग आर्ट लेखन की बारीकियां के साथ नवीन तकनीकियों के उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनय शाह के द्वारा महिला को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं एक ओर खंड विकास अधिकारी मोहन जोशी ने कार्य की सराहना की और कहा कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। जोशीमठ के उर्गम घाटी के समस्त ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पहुंचकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ और लोक निर्माण विभाग और साथ ही साथ PAJSY के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हेलंग से लेकर उर्गम घाटी तक पूरी सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है, जिस पर वाहनों से आवाजाही करना या फिर पैदल चलना किसी भी खतरे से खाली नहीं है, जिस मुख्य सड़क पर कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को एक ज्ञापन भी सौंपा। और बुलेटिन के आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। तीन राज्यों के नए मुख्यमंत्रियों को सीएम धामी ने दी बधाई, नए चेहरों को लेकर कहा प्रधानमंत्री कर रहे हैं नए भारत का निर्माण। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दी जा रही सुविधाओं की भी ली जानकारी। देश के एकमात्र कैटोग्राफिक म्यूजियम का भी किया निरीक्षण, सौंदर्यीकरण निरीक्षण सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों से की बात।
चार धाम यात्रियों के लिए पर्यटन विभाग की अनूठी पहल, विभाग बनाएगा पर्यटन सर्किट। यात्रा के ठहराव के दौरान देवभूमि के अन्य स्थलों के भी कराए जाएंगे दर्शन। कुमाऊं और गढ़वाल में 12-12 स्थान किए गए चिन्हित। रुड़की में नाबालिग ने जहर खाकर दी जान, कुछ दिन पहले प्रेमी संग फरार हो गई थी मृतका की मां। पिता ने कोतवाली में पुलिस से मामले की शिकायत की। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान माइनस में पहुंचा, अब कोहरे से बढ़ेगी आफत। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।